हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स नवंबर 2019 मंथ के। इससे पहले सीरीज़ के 10 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2019 मंथ तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स बनते थे उनको डिस्कस कर लिया है वन बाय वन मंथ के। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, उस एग्ज़ाम में आप इस सीरीज़ से दो क्वेश्चन जरूर देखोगे। सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट डे आता है हमारा नवंबर महीने का, वो है वर्ल्ड वीगन डे। वर्ल्ड वीगन डे को हिंदी में बोलते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। इसका 2019 का थीम कोई नहीं रहा है, इसलिए आपने जस्ट याद रखना है वर्ल्ड वीगन डे और विश्व शाकाहारी दिवस। ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। नेक्स्ट डे देखिए नवंबर महीने का, 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के दंड मुक्ति समाप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये मनाया जाता है 2 नवंबर को, 2 नवंबर को। इसका भी 2019 का कोई थीम नहीं रहा है, आपने जस्ट याद रखना है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स। ये मनाया जाता है 2 नवंबर को, 2 नवंबर को। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए 5 नवंबर को, 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। इसका 2019 का जो थीम है वो है सेंडाई 7 कैंपेन। सेंडाई 7 कैंपेन 2019 का थीम है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी में समझ नहीं आता है, इसलिए हमें हिंदी में भी प्रोवाइड कीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिकॉर्ड की है। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। 2019 का थीम भी इंपॉर्टेंट है सेंडाई 7 कैंपेन। नेक्स्ट डे देखिए नवंबर महीने का, 6 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं युद्ध और सशस्त्र में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये मनाया जाता है 6 नवंबर को, 6 नवंबर को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहे याद रख सकते हो, बट आया नहीं है ये आज तक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 7 नवंबर को, 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए काफ़ी बारी एग्जाम में आ चुका है, सो याद रखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, 7 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए 8 नवंबर, 8 नवंबर को जो डे आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, जिसका जो थीम है 2019 का वो है स्पोर्ट्स इमेजिंग। स्पोर्ट्स इमेजिंग थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी का, जो 8 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट देखिए 9 नवंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है लीगल सर्विसेज डे। लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है 9 नवंबर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानूनी सेवा दिवस। कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को हर साल। नेक्स्ट देखिए 10 नवंबर, 10 नवंबर वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए काफ़ी बारी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सो आपने याद रखना है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये मनाया जाता है 10 नवंबर को, 10 नवंबर को। हिंदी में जो इसका मनाया जाता है वो है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ये है मनाया जाता है 10 नवंबर को। 2019 का जो इसका थीम है वो है ओपन साइंस, लीविंग नो वन बिहाइंड। ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, सो आपने याद रखना है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, 10 नवंबर को। थीम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ओपन साइंस, लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट देखिए 11 नवंबर, 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए 12 नवंबर, 12 नवंबर को मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस।
इसका 2019 का थीम कोई नहीं रहा है। सो आपने जस्ट याद रखना है 12 नवंबर को मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। नेक्स्ट देखिए, 12 नवंबर को ही एक डे और मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है 12 नवंबर को। इसका जो हिंदी हिंदी का मतलब होता है वो है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस इसका जो थीम है वो है हेल्थी लंग्स फॉर ऑल। हेल्दी लंग्स फॉर ऑल थीम है वर्ल्ड निमोनिया डे का, जो मनाया जाता है 12 नवंबर को हर साल। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया जाता है 13 नवंबर को, 13 नवंबर को। इसका थीम कोई नहीं रहा है, जस्ट आपने याद रखना है विश्व दयालुता दिवस ये मनाया जाता है 13 नवंबर को, 13 नवंबर को। नवंबर महीने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखिए, सुपर इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। थीम्स है इसका फैमिली एंड डायबिटीज़, फैमिलीज एंड डायबिटीज़ थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मधुमेह दिवस। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 15 नवंबर, 15 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिलॉसफी डे। वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जाता है 15 नवंबर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व दर्शन दिवस। विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को हर साल। नेक्स्ट देखिए, 16 नवंबर, 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसका जो थीम है वो कोई नहीं रहा है, जस्ट आपने याद रखना है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, 16 नवंबर को ही एक डे और मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसका थीम कोई नहीं रहा है, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, 16 नवंबर को। नवंबर महीने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को, 17 नवंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट देखिए, 17 नवंबर को ही एक डे और मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल अपायसी डे। नेशनल अपायसी डे मनाया जाता है 17 नवंबर को। इसका भी थीम कोई नहीं रहा है 2019 का, जस्ट आपने याद रखना है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को, 17 नवंबर को हर साल। नवंबर महीने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखिए, 17 नवंबर को ही एक डे और मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सड़क यातायात पीड़ितों के लिए दिवस। इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है, ये हर साल के जो थर्ड संडे होता है नवंबर का, उस दिन मनाया जाता है ये डे, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व सड़क यातायात पीड़ितों के लिए दिवस। ये याद रखना है आपने, हर साल 17 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, थर्ड संडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है ये डे, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 18 नवंबर, 18 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे। वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है 18 नवंबर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। ये मनाया जाता है 18 नवंबर को, 18 नवंबर को, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 19 नवंबर, 19 नवंबर को इंपॉर्टेंट डे आता है हमारा इंटरनेशनल मेंस डे। इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है 19 नवंबर को, और इसका भी थीम कोई नहीं रहा है, जस्ट आपने याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के ये बता सकते हो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो कब मनाया जाता है हर साल? आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करोगे, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है हर साल। नवंबर महीने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व शौचालय दिवस। ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। इसका 2019 का थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये थीम है विश्व शौचालय दिवस का, जो मनाया जाता है 19 नवंबर को हर साल। नेक्स्ट देखिए, 20 नवंबर, 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। इसका भी थीम कोई नहीं रहा है 2019 का, जस्ट आपने याद रखना है सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, 21 नवंबर, 21 नवंबर को मनाए जाते हैं दो डे। एक तो है वर्ल्ड टेलीविज़न डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व दूरदर्शन दिवस, और इसका भी कोई थीम नहीं रहा है दोनों का। वर्ल्ड फिशरीज़ डे, ये भी मनाया जाता है 21 नवंबर को, इसका भी कोई थीम नहीं रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मत्स्य पालन दिवस। ये दोनों डे मनाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये फिशरीज़ वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सो आपने याद रखना है वर्ल्ड फिशरीज़ डे मनाया जाता है 21 नवंबर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मत्स्य पालन दिवस।
नवंबर महीने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखिए, 25 नवंबर। 25 नवंबर आता है, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के लिए हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका 2019 का थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। ये थीम है 2019 का, जो महिलाओं के लिए खिलाफ हिंसा होती है उसको रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसका जो थीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। नेक्स्ट डे देखिए 26 नवंबर। 26 नवंबर को दो डे मनाए जाते हैं, एक तो है नेशनल मिल्क डे, एक है नेशनल लॉ डे, और इसको बोलते हैं संविधान दिवस। नेशनल मिल्क डे को बोलते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस या फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इसे बोलते हैं, नेशनल मिल्क डे को। इसका थीम कोई नहीं रहा है 2019 का, दोनों का नेशनल लॉ डे और संविधान दिवस ये मनाए जाते हैं दोनों 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। सो ये थे ऑल इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स नवंबर 2019 मंथ के, जो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ मैं इसकी जो पीडीएफ है वो पोस्ट कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझसे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।